पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा कि अनपढ़ों का ये झुंड दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए खतरनाक। तहरीक लद्दाख से जुड़े एक शख्स ने मूर्ति को पहुंचाया था नुकसान। रूस का मिलिट्री मालवाहक विमान मॉस्को के पास क्रैश हुआ। विमान में आग लग गई। प्लेन के क्रैश होते धुएं का गुबार दिखा। सैन्य परिवहन परीक्षण के दौरान यह दुर्घटना हुई। 3 लोगों की मौत की खबर। अमेरिकी लोगों को बूस्टर शॉट्स लगाएगा जो बाइडेन प्रशासन। कोरोना के बाद दोनों डोज लगाने के 8 महीने बाद लग सकता है बूस्टर। अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बूस्टर डोज लगाने को तैयार। इस हफ्ते बूस्टर डोज को लेकर ऐलान कर सकते हैं बाइडेन। न्यूजीलैंड ने कोरोना का एक केस मिलने पर लागू किया लॉकडाउन। 6 महीने बाद सामने आया मामला। ऑकलैंड में एक व्यक्ति कोरोना से पाया गया पॉजिटिव। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कम से कम 3 दिन के लिए पूरे देश में लगाया लॉकडाउन। श्रीलंका में डेल्टा वेरिएंट के कहर ने बढ़ाई सरकार लोगों की चिंता। पिछले 2 हफ्तों में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। कुल मौतों में से लगभग 80% लोगों की मौजूदा लहर में गई जान। डॉक्टर्स ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर दी चेतावनी। इटली में और तेज हुआ वैक्सीनेशन। अब 12 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा रहा है कोरोना का वैक्सीन। बिना अपॉइंटमेंट के वैक्सीन लगवा सकेंगे बच्चे। इटली में स्कूल खोलने की योजना से पहले बच्चों को वैक्सीनेट करने की है सरकार की योजना। चीन और बांग्लादेश ने वैक्सीन को लेकर किया समझौता। अब चीनी वैक्सीन सिनोफार्मा का बांग्लादेश में होगा उत्पादन। स्थानीय दवा कंपनी इंसेप्टा के साथ मिलकर हर महीने 50 लाख डोज बनाएगी सिनोफार्मा। बीजिंग और ढाका के बीच वीडियो लिंक से हुआ वैक्सीन समझौता। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में फैली डिक्सी फायर का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक 5,70,000 एकड़ जंगल में आग फैल चुकी है। 1200 घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया। 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आसपास के इलाकों में बिजली कटौती की आशंका बढ़ गई। ग्रीस में तेजी से फैल रही जंगल की आग। सैकड़ों दमकल कर्मी 12 हेलीकॉप्टर की मदद से कर रहे हैं आग बुझाने की कोशिश। 9 गांवों को कराया गया खाली। हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। स्पेन के अविला प्रांत में 4th दिन में जंगल की आग का तांडव। 15,000 से ज्यादा हेक्टेयर में आग। सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया गया। आग की सबसे बड़ी स्पेन की आग है।